नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी जेई 2019 का जो आपका एग्जाम चल रहा है, आज 22 मई के दोनों शिफ्टों के पूरे जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास मैं आपके सामने यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करूँगा विद उनके सॉल्यूशन और विद उनके आंसर्स। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस जितने भी क्वेश्चंस हमारे हाथ लगे हैं आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे, और जिनका भी आज शिफ्ट 1 और 2 में एग्जाम्स था वो मेरे बताए हुए क्वेश्चंस के अलावा उनको अगर कोई क्वेश्चन पता है तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख देना, ताकि आगामी आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम्स है उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके उन क्वेश्चंस से। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि जोन वाइज आपके जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग पूछे जा रहे हैं, तो सभी जोन में जो क्वेश्चंस है वो सेम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, वो हुआ था इंग्लैंड में। तो ये शिफ्ट 1 और 2 दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस है इस वीडियो के अंदर। अगला क्वेश्चन के लोकसभा में कुल सीटें, लोकसभा के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि हाल ही में अभी इलेक्शंस हुए हैं, आप सभी को पता है कि लोकसभा के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे, और आज दोनों शिफ्टों में पूछे गए हैं। कुल सीटों की बात की गई है तो करंट में 545 है, जिनमें से 543 इलेक्टेड होती है, 2 यहाँ पर नॉमिनेटेड होते हैं और मैक्सिमम 552 हो सकती है। ICC के चेयरमैन भी यहाँ पर बहुत सारे पूछे गए हैं, CM, चेयरमैन, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आगे मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति यानी कि जो शासनकाल पूछा गया था सबसे ज़्यादा किसका था, राजेंद्र प्रसाद का। लेटिट्यूड ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री। DRDO के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक। जितने भी CM हैं यानी कि जितने भी स्टेट्स के CM हैं, गवर्नर यानी कि राज्यपाल है, सभी पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में देखने को आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन के सबसे स्वच्छ रेलवे जोन कौन सा रहा, साउथ सेंट्रल रेलवे जोन जिसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में। एशियन गेम्स का क्वेश्चन आया था कि 2018 यानी कि एशियन गेम्स 2018 कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका का पूछा गया था, HD कुमारस्वामी। उसके बाद भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई, 1911 में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला भारत में, आंध्र प्रदेश को। और इंडिया की वर्ल्ड में इसमें रैंकिंग कितनी है, 77वीं। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला आपका यहाँ पे पूछा गया था, Na2CO3 आप सभी को पता है। उसके बाद चेयरमैन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सुधीर भार्गव। जितने भी मैंने आपको बताया चेयरमैन वगैरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। पंजाब में कुल लोकसभा सीटें कितनी है, 13 है, तो हर राज्य के आपको लोकसभा सीटें याद रखनी है क्योंकि आज दोनों शिफ्टों में ये पूछा गया है क्वेश्चन। राज्य मतलब स्टेट वाइज आपको पूछ लिया गया कि लोकसभा सीटें किस राज्य में यानी कि किस स्टेट में कितनी है। अगला क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ स्वीडन स्टॉकहोम, और जितने भी कैपिटल है इंडिया को छोड़ के, जितने भी अदर कैपिटल्स हैं, जितने भी देश हैं उनके कैपिटल है, वो भी आपको याद करने ज़रूरी है। दोनों शिफ्टों में आज कैपिटल्स देखने को मिले हैं। CEO ऑफ ICICI बैंक संदीप बख्शी। ग्रीन ISO सर्टिफिकेट किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। चेयरमैन ऑफ SEBI यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन है, अजय त्यागी। चेयरमैन ऑफ BCCI शशांक मनोहर। कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान नूर सुल्तान। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में इसका जो कैपिटल है वो चेंज हुआ है, पहले को क्या था, अस्ताना, अब हो गया नूर सुल्तान। अगला, बॉक्साइट किसका एलॉय है, एल्यूमिनियम का। हैवीएस्ट मेटल सबसे भारी मेटल ऑस्मियम। फाउंडर ऑफ ब्लड ग्रुप कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चांदी का रंग काला कैसे पड़ता है, किस कारण पड़ता है, वो पड़ता है सिल्वर सल्फाइड के कारण। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर है, कृष्णा रिवर। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन है, रघुवर दास। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट पूछी गई है, 182 मीटर है उसकी हाइट। अगला क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है, 17। अब यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि आपके जो पीरियडिक टेबल है उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके पीरियडिक टेबल से देखने को मिल रहे हैं। तो पीरियडिक टेबल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से रट लेना, जिनका भी आगामी आने वाले दिनों में एग्जाम्स है। वुलर लेक कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। GST का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सोनार का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे दोनों शिफ्टों में देखने को मिले हैं। लाइट इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, कैंडेला। यूरेनियम
का एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है। इस टाइप से लिखते हैं 92U235। अगला क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, इसके वैल्यू का यहाँ पे पूछा गया था, वो होता है 10^-10 मीटर। रेजिस्टेंस पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले, एक तो आपके क्वेश्चन था पैरेलल टाइप का, पैरेलल आपको रेजिस्टेंस दे रखे थे, उनका आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है। एक आपके कुछ वैल्यूज़ दे रखी थी रेजिस्टेंस की, तो उनको भी आपको सॉल्व करके बताना था। तो इस टाइप से आपके रेजिस्टेंस पे एक दो क्वेश्चन बने। अगला, अमेरिका के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए कौन सी परीक्षा आवश्यक है, वो है TOEFL, जिसका आपका फुल फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। इथेनॉल का आपका फॉर्मूला पूछा गया था, C2H5OH। अगला, लाइटेस्ट मेटल सबसे हल्का मेटल, ये दूसरी शिफ्ट में है, और वो जो था वो पहले शिफ्ट में था, जो हैवीएस्ट मेटल था ना वो पहले शिफ्ट का था, लिथियम हो जाएगा इसका आंसर। पीएच पूछा गया था, पीएच ऑफ वाइन वो होती 3-4 के बीच में, अब 3-4 के बीच में आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो आपकी सही होगी, एग्जैक्ट आपको वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है इसकी, 3-4 के बीच में वेरी करती है। पीएच ऑफ टमेटो इसका भी 4 के अराउंड रहती है, ये लगभग 3.5 से आगे स्टार्ट हो जाती है और 4.7 तक ये चली जाती है, तो इसके बीच में इसकी रेंज रहती है। अगला, डेसिबल इज़ अ यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी यूनिट है, डीबी, जिसे डिनोट करते हैं साउंड की लाउडनेस की, लाउडनेस ऑफ साउंड है ना। सिंदूर का आपका यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया था, Pb3O4 या फिर HgS, दोनों में से कुछ भी आपके ऑप्शन में आता है वो सही होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड 79 होता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपके ऑप्शंस में पीनियल ग्लैंड है तो सबसे पहले आपको वही टिक करना है, अगर ये वाला आपको नहीं दे रखा है और इसके अलावा आपको दे रखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर वो सही होगा, लेकिन अगर आपको पहले पीनियल ग्लैंड दे रखा है तो आपको वही टिक करना है। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मेटालॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ मेटालॉइड्स जो आपकी पीरियडिक टेबल है उसमें कितने, टोटल 6 है, नाम भी मैंने आपके यहाँ पे लिख रखे हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियन, टेलीरियम, टेलीरियम है। उसके बाद हाइड्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के किस लॉ को लॉ ऑफ गैलीलियो कहा जाता है, तो वो कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला क्वेश्चन, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई थी, एग्जैक्ट वैल्यू ये है 11.186 किलोमीटर पर सेकेंड, हो सकता है आपके एग्जाम में 11.2 आया हो, क्योंकि 18 को कन्वर्ट करके 2 लिख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आपके सामने 11.186 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, यूनिट टू मेजर रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने की यूनिट क्या है, क्यूरी, जिसे हम डिनोट करते हैं CI से। 1 BTU कितने कैलोरी के बराबर होता है, 1 BTU मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, वो होता है 252 ग्राम कैलोरी के बराबर। पेटा का आपका यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था, PETA, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेरू की कैपिटल पूछी गई थी वो है लिमा, LIMA। सबरीमाला टेम्पल पे क्वेश्चन बना है वो है केरला में। वेस्ट बंगाल CM पूछा गया था, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, आप सभी को पता है। हिमाचल प्रदेश के CM जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया यांगजी। रेंज ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसकी रेंज पूछी गई है, होती है -200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस। आर्टिकल 32 पे क्वेश्चन है, जो कि रिट से संबंधित आर्टिकल है, रिट लगाई जाती है उससे संबंधित है। CM ऑफ केरला, अब आप ये सोच रहे होंगे इतने सारे CM दो शिफ्टों में कैसे पूछ लिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो आपके एग्ज़ाम है वो जोन वाइज आपके जो क्वेश्चन है वो अलग अलग हो रहे हैं, तो किसी जोन में किसी CM का पूछ लिया है और किसी जोन में किसी और CM का पूछ लिया है, तो इसी हिसाब से क्वेश्चन चल रहे हैं। तो CM ऑफ केरला पिनरई विजयन। नॉर्वे का कैपिटल पूछा गया था ओस्लो, OSLO। डल लेक कहाँ पे है, श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन के एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन है, मनीष सिसोदिया। करदुंगला पास कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। इसरो के चेयरमैन कौन है, के शिवान। भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पीसी घोष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के गवर्नर पूछे गए हैं तो वो है बेबी रानी मौर्य। मिशन शक्ति पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन के हाईएस्ट पीक इन इंडिया कौन सा है, कंचनजंगा। यंग इंडिया एक वीकली पेपर था पहले, या फिर कैसे कह सकते हैं जनरल था, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, गांधीजी द्वारा। एक यंग इंडिया बुक भी है वो अलग है, उसका ध्यान रखना। लोकसभा चुनाव 2019 में कुल कितने चरण हैं,
यकील उल कितने चरणों में यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं? 7 चरणों में। यह भी रिसेंट ही हुआ है, इसीलिए करंट में आपके क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें 25, पहले शीट में आपको देखने को मिला था पंजाब की, यहाँ पे देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश की। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्टेट वाइज यानी कि राज्य वाइज तो जितने भी लोकसभा सीटें हैं वो आप पढ़ लीजिए। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रीजनिंग के। वैसे रीजनिंग में जो क्वेश्चंस हैं वो हर एक टॉपिक से आए हैं, लगभग जो भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि टॉपिक्स आएंगे। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट भी आपके यहाँ पे पूछे गई है, उनके क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, लेकिन जिनका भी आगामी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है वो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ज़रूर करके जाना, ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। साथ में सीरीज़ के, डायरेक्शन के, ये सभी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शंस नहीं है इसके, इसलिए जो मेरा आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। 77 प्लस 33 बता रखा था 40, 99 प्लस 55 बता रखा था 56, तो 88 प्लस 33 इसका आपको आंसर निकालना था। तो यहाँ पे जो ट्रिक मैंने लगाई है कि 77 से आपका होता है 49 और 33 से आपका होता है 9, तो 49 में से 9 माइनस करो तो आपका आता है 40। इसी टाइप से 99 जा 81 और 55 जा 25, तो 81 में से 25 आपके माइनस करोगे तो आपका आंसर बनेगा 56। तो इसी टाइप से तीसरे में लगा दीजिए 88 जा 64 और 33 जा 9, तो 64 में से 9 माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 55। अगला क्वेश्चन कि 9:720 उसी हिसाब से 10:10 आगे कितना होगा? तो इसमें जो ट्रिक मैंने लगाई है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को इनके ऑप्शंस नहीं पता है, डायरेक्ट मेरे को सिर्फ क्वेश्चन पता है। तो 9 का क्यूब 729 माइनस कर दीजिए 9 तो आता है 720। उसी हिसाब से हम कर लेते हैं 10 का क्यूब यानी कि 1000 माइनस कर देंगे 10 तो 990। अगला क्वेश्चन 1/, ये आपके देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, 1/ √7 माइनस √6 फिर माइनस करके ये जो पूरी है ये आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी NTPC के जो मैं क्वेश्चन करा रहा था उनमें क्वेश्चन कराया था, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। मेरे वीडियोज़ NTPC वाले देखना, उनमें जो मैथ्स का मैंने एक क्वेश्चन कराया था वैसा का वैसा ही आपके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया है। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सीधी सी इसकी ट्रिक है, जो नीचे जो वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी और इनका जो बीच का जो साइन है वो सभी का प्लस हो जाएगा, यानी कि √7 प्लस √6 ये ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर ये जो माइनस के साइन है, ये जो बीच के साइन है, ये एज इट इज़ रहेंगे ये वाले, लेकिन इनके बीच के जो साइन है वो सभी प्लस हो जाएंगे। तो जब इन्हें सॉल्व करोगे ऊपर ले जाके कट कटा के आपके पास लास्ट में बचेगा 3 और 2, यानी कि 3 + 2 = 5, इसका आंसर आपका 5 आएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके HCF LCM का क्वेश्चन है, A ratio भी आपको दे रखा था 2:3, LCM आपको यहाँ पे दे रखा है 48, तो सम ऑफ टू नंबर्स जो दो नंबर है उनका सम क्या है वो आपको पता करना है। ये आपके फॉर्मूला है A × B = LCM / HCF, AB का ratio 2:3 है तो 6 हो जाएगा। LCM आपको 48 दे रखा है, HCF आपको पता नहीं है, तो इसी हिसाब से HCF की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 48/6 यानी कि 8, तो 8 × 2 कर दीजिए 16 आ जाएगा और 8 × 3 कर दीजिए 24, तो ये दो आपके यहाँ पे आंसर हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दोनों ही शिफ्ट में आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखने को मिले। 10 cot A − 18 °, ये आपको चीज़ दे रखी है, तो आपको किसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है, A की। तो यहाँ से आपको 2A लेना है, 2A + A − 18 बराबर आपको यहाँ पे 90 °  करना है, और यहाँ से ये बन जाएगा आपका 3A = 108 °, तो 18 इस साइड आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी 36 °। अगला क्वेश्चन ये आपके फिर से HCF और LCM का क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि 18 और 24 के रेसिप्रोकल का HCF और LCM निकालो। तो इनका रेसिप्रोकल का मतलब है 1/18 और 1/24, इन दोनों का आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। देखिए जब भी चीज़ आपके इस टाइप से हो, फ्रैक्शन में हो, यानी कि 1/18, 1/24 इस टाइप से हो, तो इसमें क्या करते हैं, जब भी LCM निकालते हैं तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ का हम लेते हैं LCM, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का हम लेते हैं HCF। तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आपकी 1 ही है, तो 1 का जो LCM है वो 1 ही रहेगा। 18 और 24 का जब आप HCF निकालोगे तो वो आ जाएगा 6, तो इसका LCM तो हो गया 1/6। बात करें इसके HCF की, जब इन दोनों वैल्यूज़ की आप निकालोगे HCF, तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ के आप निकालोगे HCF, तो 1 और 1 का HCF भी 1 ही आएगा, और नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का हम निकालेंगे LCM, तो 18 और 24 का LCM आपका आ जाएगा 72, तो इस हिसाब से HCF बन गया 1/72। तो इस हिसाब से मैंने आज आपको लगभग 80 क्वेश्चन बता दिए दोनों शिफ्टों के मिला के। डेली आपको एनालिसिस मिलता रहेगा, और यहाँ पे मैं आपको मैथ्स रीजनिंग के कुछ और टॉपिक्स भी बता देता हूँ जिनके क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के आपके लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं,
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखना ये चीज़ टॉपिक करके जाना। डायरेक्शन का लगभग 1 क्वेश्चन मिल रहा है। एचसीएफ और एलसीएम के लगभग लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क के भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। स्पीड एंड डिस्टेंस के 2, बोट एंड स्ट्रीम के 1 मिल रहा है। देखिए अब बात करें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का किस प्रकार से रेशियो रखा है, तो लगभग यहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी के लगभग लगभग इक्वल आ रहे हैं। मेंसुरेशन, डेसिमल, ट्रिग्नोमेट्री सभी चीज़ें आ रही है। पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आप करके जरूर जाना, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीरीज के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैथ्स में और टॉपिक्स की बात करें, ट्राइंगल का आपके क्वेश्चन आ रहा है, ट्राइंगल के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक क्वेश्चन पूछा गया था, एवरेज पे क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस पे है, और सिंप्लीफिकेशन पाइप्स एंड क्रिस्टन का है, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क रेशियो, जितने भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं सभी पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें करके जाना जो भी मैंने आपको बताई है। चीफ मिनिस्टर और जितने भी देश हैं उनके कैपिटल्स, ये सभी चीज़ें, सीईओ और चेयरमैन, ये सभी चीज़ें आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और लोकसभा के जो चुनाव हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ना। पीरियडिक टेबल पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे, तो पीरियडिक टेबल को अच्छे से रट के चले जाना। जितने भी क्वेश्चंस बनते हो पूरे के पूरे समझ लो चाहे रट लो, जो भी है क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बहुत सारे पूछे जा रहे हैं पीरियडिक टेबल से। उसके अलावा आपके बुक्स वगैरह पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑथर वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, करंट के क्वेश्चंस आपके अच्छे आ रहे हैं, कैपिटल्स वगैरह पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं हाल ही में उन पे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। लोकसभा सीटें प्रत्येक राज्य में यानी कि प्रत्येक आपके स्टेट में कितनी है वो आपको याद करनी है। हर एक स्टेट की पढ़ लेना, आज 2 स्टेट की आपकी आ ही चुकी है, उस हिसाब से और भी जितने अदर स्टेट बचे हैं उनके भी आप ज़रूर पढ़ के जाना। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। जो भी आपको क्वेश्चंस पता हो आप कमेंट करके बता दीजिए। ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।